नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों। इक्विनॉक्स स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। एक ट्रेडर की स्क्रीन कैसी दिखती है आज आप देख लीजिए। आपके सामने है कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ लेवल्स हैं और इसके बेसिस पे काम होता है जबरदस्त। आपकी स्क्रीन कैसी दिखती है, आपकी तैयारी क्या है मुझे नहीं मालूम, बट मेरी स्क्रीन कुछ ऐसी दिखती है जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ। इसके अंदर मुझे बहुत मदद मिलती है और यहाँ पे अब हम बात करेंगे मार्केट की। देखिए यहाँ पे हम सब कुछ डिलीट कर देते हैं फिलहाल और मार्केट का चार्ट देखते हैं बिना कोई इंडिकेटर के एक बार को, बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए आप देखेंगे तो निफ्टी पिछले कुछ दिनों से लगातार गिर रहा था और आप देखोगे टॉप टू बॉटम निफ्टी में एक अच्छा खासा करेक्शन आया जो कि आपको 3.5% ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का करेक्शन है टॉप टू बॉटम। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे टॉप टू बॉटम ऑलमोस्ट 4.5% गिरता है और ये 2300 पॉइंट्स का करेक्शन है, बट फिलहाल आप इसको 2000 पॉइंट भी मान सकते हो। यानी 3-5% निफ्टी बैंक निफ्टी गिरे हैं और ऐसे में मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स की हालत क्या हुई आपने देखा। ये स्टॉक्स ऊपर से नीचे तक आप देखोगे हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट ऑलमोस्ट ये इंडेक्स 10% गिर गया है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 10% गिर गया है एंड स्मॉल कैप में गिरावट और भी ज़्यादा है। ये सब दोस्तों मार्च में शुरू हुआ। मार्च के पहले 3-4 दिन हम हल्का सा रैली करते हैं बट यहाँ पर हमने एक लोअर हाई बनाया है मार्केट में निफ्टी मिड कैप में आप देख सकते हो। और जब यहाँ पर निफ्टी मिड कैप लोअर हाई बना रहा था सेबी की चेयरपर्सन ने तो बाद में बोला कि मार्केट में बबल है। हमने इस चैनल पे पहले ही आपसे यही बात की थी कि यहाँ पे एक लोअर हाई बन गया है, एक डबल टॉप पैटर्न बन गया है एंड अब यहाँ पे गिरावट की संभावना दिखती है। ये गाइडेंस अपने डायमंड मेंबर्स को भी दी थी, उनको कहा था साफ साफ कि मार्च की एंड की पुट्स लेने शुरू कर दो, शॉर्ट करना शुरू कर दो। डेली हम लोग शॉर्ट में थे और सिर्फ कल यानी 19 मार्च को पहली बार मैंने ये बात करी कि भाई अब मार्केट बॉटम के आसपास है। देखिए मार्केट का बॉटम पता लगाना एग्जैक्ट बहुत डिफिकल्ट काम है लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ना आपको RSI अगर आप नीचे देखेंगे तो 40 पे दिखेगा निफ्टी का RSI। निफ्टी का RSI 40 पे आना एक अच्छा सपोर्ट का साइन होता है तब जब निफ्टी वहाँ पे कुछ ग्रीन कलर की कैंडल बनाए। तो निफ्टी ने आज यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनाई है, RSI ने 40 पे सपोर्ट लिया है तो 60 से RSI गिरते गिरते 40 पर आ गया है, विच इज़ अ साइन कि मार्केट शायद यहाँ पे अब एक बॉटम आउट फॉर्मेशन कर सकती है आने वाले 1-2 दिनों में। आप देखोगे हम अपर बॉलिंजर बैंड से, बॉलिंजर बैंड लगा हुआ है, अपर बॉलिंजर बैंड से गिरते गिरते लोअर बॉलिंजर बैंड पर आ गए। तो दिस वॉज अ वेरी हेल्दी वेरी डिसेंट करेक्शन इन मार्केट और यहाँ पे अच्छा संकेत यह है कि ये जो बॉटम है ये बन रहा है इक्विनॉक्स के दिन के आसपास। आज इक्विनॉक्स है, इक्विनॉक्स के आसपास बने हुए टॉप्स या बॉटम्स बहुत पावरफुल होते हैं। मार्च 2020 में जब मार्केट कोविड क्रैश कर रही थी तब भी जो बॉटम बना था आज ही के दिन बना था। तो यहाँ पे मार्केट में हो सकता है आने वाले दिनों में एक बॉटम आउट फॉर्मेशन हो और उसके बाद मार्केट ऊपर जाए। देखिए मैं यहाँ पे बहुत साफ शब्दों में यही बोल रहा हूँ, आने वाले दिनों में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आज के आज बन गया और कल आप 22,500 पहुँच जाएंगे। आने वाले दिनों में अब इलेक्शंस भी आ रहे हैं, प्री इलेक्शन रैली के बारे में आप सबने सुना ही होगा तो यहाँ पे संभावना है कि मार्केट जो ये जो बार बार नीचे इस तरह की लॉन्ग विक्स वाली कैंडल बना रही है ये हमें डिमांड दिखाता है। तो यहाँ पे संभावना है कि मार्केट जो है आने वाले टाइम में ऊपर की तरफ जा सकती है। अभी फेड का इवेंट है आज रात को, उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें और आती रहेगी जाती रहेगी। यहाँ पे मार्केट बॉटम जब भी बनाती है वॉलेटिलिटी के साथ बनाती है, यानी बाउंस आएगा फिर कोई गिरावट आएगी, बट कोई यहाँ पे W या कुछ अच्छा पैटर्न अब हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा जो मे बी बाय मार्च एंड हो जाएगा और फिर हम अप्रैल में अगली मार्केट की रैली शुरू कर सकते हैं। देखिए इतनी सीधी स्पष्ट बात करने के लिए एक तो मुझे अच्छी क्लैरिटी खुद को होनी चाहिए प्लस कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्योंकि मैं अपने चैनल पे कभी भी डबल मीनिंग बातें नहीं करता हूँ। प्लस खासतौर पे अपने डायमंड मेंबर्स के साथ जो मेरे मोबाइल ऐप से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक से। वहाँ पे डेली हम एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट बात करते हैं क्या हो सकता है कैसे हो सकता है। आज भी जब मार्केट नीचे आ रही थी तो बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट हुआ पुट्स के अंदर। अभी अगेन टिप्स मैं नहीं देता हूँ ट्रेडिंग की मगर यहाँ पे गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी, सिखाऊंगा आपको ज़रूर सब चीज़ें। तो ये जो फॉल आया ये हम प्रिडिक्ट कर रहे थे अपने चैनल पे, मैंने आपसे वीकेंड पे भी बात की थी, वीडियो आपके लिए मैं बनाता हूँ कभी कभी तो वीकेंड पे भी आपको बताया था कि मार्केट में एक करेक्शन चल रहा है एंड दैट कैन कंटिन्यू। तो यहाँ पे पिछले वीक हमने ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का करेक्शन देखा, इस वीक हमने ऑलमोस्ट अगर हम लो तक पकड़ेंगे तो 1200-1300 पॉइंट का करेक्शन देखा बैंक निफ्टी में। यहाँ पे मार्केट लेकिन हर दिन रिकवर कर रही है विच मीन्स नीचे के एरिया में माल स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं उठा भी रहा है। तो यहाँ पे अब आपको कुछ अच्छा पैटर्न कुछ यहाँ पे बेस बिल्डिंग होते हुए दिखे तो आने वाले दिनों में मार्केट ऊपर जा सकती है ऐसा मान के चलिएगा। देखिए रिवर्सल का एकमात्र सबसे ईजिएस्ट तरीका होता है पता लगाने का पिछले दिन के हाई के ऊपर बाजार ट्रेड करे। देखिए जैसे यहाँ पे एक हाई लगा, अगले दिन के जो है ट्रेडिंग दिन में हम इस हाई के ऊपर नहीं गए, नेक्स्ट डे का हाई ये है इसके ऊपर हम नहीं गए, फिर ये हाई है इसके ऊपर नहीं गए, काफ़ी पास गए ऊपर नहीं गए। तो इस तरह से हम हर बार एक नया
लो भी बना रहे हैं और हाई के ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो अभी आज जब तक मार्केट एक हाई बनाती है और अगले दिन इसके ऊपर ट्रेड नहीं करती है, वो एक रिवर्सल का साइन नहीं होगा। तो यहाँ पे बॉटम बनने में एक दो दिन और लग सकते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बट डेफिनेटली 10-12% अगर मिड कैप इंडेक्स गिरा है या स्मॉल कैप इंडेक्स में आप देखोगे तो अच्छी खासी करेक्शन आ गई है ऊपर से। तो इसके अंदर स्टॉक्स काफ़ी सस्ते हो गए हैं। इंडिया स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी अभी भी वही है। अभी भी यहाँ पे आपको समझ के चलना है कि इलेक्शन की रैली होने की संभावना है, मोदी जी के जीतने के चांसेस फुल हैं। तो यहाँ पे एक अच्छे करेक्शन पे अच्छा मौका है माल उठाने का। अब यहाँ से मार्केट और नीचे नहीं जा सकता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मगर अब रिस्क टू रिवॉर्ड देखना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप खरीद रहे हैं तो डाउन साइड कंपेरिटिव टू अपसाइड लग रहा है कि काफ़ी कम है, और यहाँ से जो रैली आएगी वो काफ़ी पावरफुल, काफ़ी स्पीडी, काफ़ी फास्ट रैली आएगी, एक यूफोरिक रैली आने वाली है यहाँ से। हम इलियट वेव में अगर भरे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमने वेव 1, 2, 3, 4 कंप्लीट करी है, वेव 5 अब आनी बाकी है। फिफ्थ वेव जनरली सबसे पावरफुल होती है, सबसे वर्टिकल होती है, इसमें ज़्यादातर लोग जिनकी गाड़ी छूटी होती है वो बिल्कुल एंड में आते हैं। तो एंड में ना आइए, अभी एक अच्छा समय आने का। यहाँ से मार्केट आपको अब अगले कुछ समय में, मेरे हिसाब से, मेरा व्यू अगेन बिल्कुल गलत हो सकता है, मैं ये बोल के चल रहा हूँ, मगर मुझे लगता है कि मार्केट एक अच्छी रैली यहाँ से दिखा सकती है। आइए कुछ स्टॉक्स के भी चार्ट देखते हैं, यहाँ पे किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे HDFC बैंक का अगर चार्ट देखेंगे तो HDFC बैंक यहाँ पे गिरा था अपने खराब रिजल्ट्स के बाद। अब अगले रिजल्ट्स आने वाले हैं कुछ समय बाद, ऑलरेडी हम देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से मार्केट में रेंज बनी है। देखिए जब भी कोई चीज़ ऊपर की साइड पे रेंज बनाती है एक मूवमेंट के बाद, उसको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रेंज कहा जाता है एज पर टेक्निकल्स, और जब नीचे एक रेंज बनती है उसको एक्यूमुलेशन रेंज कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर एक्यूमुलेशन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से इस रेंज के बाहर निकलता है तो HDFC बैंक काफ़ी अच्छा वर्टिकल मूव दे सकता है, और ये अगर मूव करेगा तो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी मूव करेगा। तो HDFC बैंक काफ़ी अच्छा स्टेबल एक रेंज बना रहा है। सेम चार्ट यहाँ पे कोटक बैंक का है जिसमें एक अच्छी काफ़ी हेल्दी करेक्शन आई, और उसके बाद अब यहाँ पे बेस बिल्डिंग हो रही है एक डिमांड जोन के आसपास। तो यहाँ से अगर ये भी निकलता है तो काफ़ी अच्छी रैली दिखा सकता है। इसके अंदर यहाँ पे आपको सिमिलर चार्ट कुछ और बैंकिंग स्टॉक्स का दिखेगा। तो बैंक निफ्टी तो सॉर्टेड है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है और इसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट आने वाला है। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो बहुत फास्ट मूवमेंट के लिए तैयार हो जाइए आप इन हैवी वेट बैंक्स में, जैसे कि कोटक, HDFC। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो काफ़ी अच्छा एक वर्टिकल फॉल आया इसके अंदर। यहाँ पे आप इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला हो, चाहे यहाँ पे आपका सेबी चेयरपर्सन की कुछ कमेंट्री आई थी बीच में, ये सब बातें आपको मैं विद दी हेल्प ऑफ शॉर्ट वीडियोस और मैं यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम रील्स वहाँ पे आपके साथ शेयर करता रहता हूँ अप टू डेट न्यूज़, तो वहाँ आप मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लेकिन यहाँ से आप देखोगे कि 10% करेक्शन SBI में भी आ चुका है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक मार्केट में संभावना है कि आएगा। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती है, बाउंस बैक अगर आएगा और स्ट्रांगली आएगा, यानी मार्केट निकलने लग जाएगी एंड पिछले हाई के पास पहुँच जाएगी, तो वहाँ से फिर अगर यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं तो फिर यहाँ पे टाइम बिता के ब्रेकआउट करके हम ऊपर की रैली शुरू करते हैं। अगर मार्केट स्ट्रगल करती है, थोड़ा बढ़ती है, फिर किसी कारण से गिर जाती है, या कल फिर से गैप डाउन खुल जाती है लेकिन और नीचे के लेवल्स पे आ जाती है, जैसे जैसे हम पिछले हाई के दूर होते चले जाएंगे, फिर वहाँ से ऊपर जाने पे अलग अलग लेवल्स पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिलती है। मान लीजिए हम यहाँ से और गिर जाते हैं, फिर ये एरिया रेजिस्टेंस का एरिया बन जाएगा, तो ये खाली बाउंसेस कहलाएंगे। तो अगर मार्केट को रिकवर करना है तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, हाई टाइम। यहाँ से बाउंस की स्ट्रेंथ कैसी आएगी वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर बाउंस में दम नहीं दिखा, बाउंस यहाँ से चला लेकिन छोटा मोटा आया, देखो 8-9 दिन से मार्केट गिर रहा है, 2500 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर गया, अब बाउंस नहीं करेगा तो कब करेगा? अब बाउंस करता है लेकिन उसमें दम नहीं दिखता है, फिर से ये 46,800-700 पे जाके अटक जाता है, या 47,000 ही पार नहीं कर पाता है लेट से, तो वहाँ पे वापस अगेन एक लोअर हाई होगा, तो वो फिर फर्दर गिरावट का संकेत होता है। बट फिलहाल शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कल फेड का इवेंट क्या आएगा, आई एम नॉट श्योर, उसको देखना पड़ेगा। तो आज का दिन तो अभी ऑलमोस्ट खत्म हो गया आधा, बट कल के दिन अब आप लोग अगर मार्केट आपको सही स्टेबल साइन दिखाए और पिछले दिन के हाई के ऊपर निकलती हुई दिखे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइंग करने का एक अच्छा समय मार्केट में आ गया है। और यहाँ पे ना सिर्फ लार्ज कैप्स, स्मॉल कैप, मिड कैप में बहुत हेल्दी करेक्शन आ गया है, अच्छे स्टॉक्स जिनकी अर्निंग्स है, जिनमें वैल्यू है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उनको आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। अगेन मैं भी अपनी एक लिस्ट निकाल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अपने रिसर्च कर रहा हूँ कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मुझे अच्छे लगते हैं। अगेन आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन मैं खुद जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए सही समझ रहा हूँ उन स्टॉक्स के अंदर अपना व्यू कोशिश करूँगा यूट्यूब पे भी, प्लस डायमंड मेंबर्स के साथ तो करूँगा ही, आने वाले टाइम में आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग भी उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो आपको करना क्या है, आप चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने किसी फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए इसको।
अब यहाँ पे दोस्तों दो तीन चीजें और आपको दिखाना चाहूंगा। आज जब बैंक निफ्टी गिर रहा था, एक्सपायरी का दिन था, पैनिक सेलिंग का दिन था, मैंने सुबह ऑलरेडी अर्ली इन द मॉर्निंग सभी अपने टेलीग्राम इंस्टाग्राम हर जगह पे एक रील के साथ आपको ये वीडियो समझाई थी। तो यहाँ पे कि जब बैंक निफ्टी सुबह देखो हुआ क्या कि एक बहुत बड़ा फॉल आया आज यहाँ पे, पिछले दिन हम यहाँ बंद हुए थे, सुबह जबरदस्त फॉल आया, मैंने खुद में पुट्स लिए थे और पुट्स 4-5 times गए, लेकिन यहाँ पे पहले मार्केट में एक बाउंस आता है, इस बाउंस में कोई ना फंसे, एटलीस्ट मेरे क्लाइंट्स तो नहीं फंसे, क्योंकि इस बाउंस में हम देख रहे थे कि कॉल के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं, कॉल के प्राइसेस बढ़ने बंद हो गए थे, मार्केट ऊपर जा रहा था, वहीं पे मैंने वीडियो बना के डाला एंड उसके ठीक 15-20 मिनट बाद मार्केट में एक जबरदस्त फॉल शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे एक अच्छा फायदा हुआ अभी, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे जो फॉल आ रहा है, यहाँ पे एक फॉल आया तुरंत रिकवर हो गए, फॉल आया एंड तुरंत रिकवर हो गए। तो ये जो संकेत होते हैं, जब भी फॉल आता है मार्केट फास्ट शार्प रिकवर करती है, विच मीन्स डिप्स पे यहाँ पर कोई ना कोई माल उठा रहा है। अब जिसने मान लो इन चारों डिप्स में माल उठाया होगा, उसकी एवरेज बाइंग कॉस्ट समवेयर अराउंड हेयर होगी, यहाँ पे कहीं पे होगी। तो एक बार मार्केट इन एरियाज के ऊपर निकलती है तो यहाँ से फिर स्पीड आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मार्केट अगर पिछले दिन के हाई के ऊपर निकलती है आने वाले सेशंस में, तो काफ़ी अच्छी मार्केट में एक स्पीडी रैली हमें देखने को मिल सकती है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मूव है, प्लस यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी, जैसे आपको कोटक बैंक में दिखाया, बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं आप। तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है कल हम छोटा सा गैपडाउन खोलें, खुल के इसको ब्रेकआउट करें, बट ये ब्रेकआउट जब भी आएगा मार्केट में, यहाँ से एक अच्छे अप मूव के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जितनी बड़ी यहाँ पे चैनल है उतना मूवमेंट तो हम ऊपर प्रोजेक्ट कर ही सकते हैं। अगर वो सही रहा तो 47,000 क्रॉस हो जाएगा, फिर उसके बाद मार्केट वहाँ पे 47,000 क्रॉस हो जाता है तो फिर एक आधा हर्डल और है 47,200 का, बट उसको अगर निकालती है विद दी हेल्प ऑफ HDFC कोटेक जैसे हमने चार्ट देखे, तो ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी भी लगा सकता है बिफोर इलेक्शंस। तो दिस इज माय व्यू, इक्विनॉक्स स्पेशल व्यू। आई होप आपने भी इक्विनॉक्स का फायदा उठाया होगा। मार्च के स्टार्टिंग से ही मैं बोलता आ रहा था कि मार्केट में मुझे लगता है इक्विनॉक्स से पहले मार्च में करेक्शन होगा, बेस बनेगा एंड देन इलेक्शन रैली स्टार्ट होगी अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो यही अभी तक तो दिख रहा है चार्ट पैटर्न पे देख के कि भाई ऐसा ही कुछ मार्केट कर रही है। बाकी देखिए मार्केट इज सुप्रीम, भाव भगवान है, भाव को देखिए, प्राइस को देखिए। अगर प्राइस आपको कुछ और करता हुआ दिखे तो मेरे व्यू की कोई वैल्यू नहीं है, जो प्राइस देखेगा करता हुआ वही मैं भी करूँगा, बट दिस इज जस्ट माय व्यू। सो माय ट्रेडिंग प्लान वुड बी टू नाउ स्टार्टिंग यू नो टुमारो कि मैं बाय करने का प्लान बनाना शुरू करूँ मार्केट में, एक करेक्शन अच्छा आ गया एंड उसके लिए प्रीवियस डे हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड करना मेरे लिए ज़रूरी है एज पर माय सेटअप माय रूल्स। प्लस अगेन यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक काम आप कर सकते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप आप ले सकते हैं इस तरह का, और इससे कहीं ज़्यादा अच्छा डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो, अप टू डेट मार्केट व्यूज़, हर दिन आपको मार्केट में क्या हो सकता है, एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान अगर चाहिए तो आप सिर्फ इतनी सी कॉस्ट है जितने में आपका एक ट्रेड आप लेकर काटते हैं, जो आपकी ब्रोकरेज और चार्जेस लगते हैं एक सौदा लेके काटने में, उतने में आप मेरी डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे मोबाइल ऐप में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एंड मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा आप सबसे, कट द नॉइस। यहाँ पे आप अगर 6 लोगों को सुनेंगे, 6 का व्यू अलग अलग हो सकता है, उसमें आपका व्यू दब जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे मेरा व्यू पसंद करते हैं तो लेट से सिर्फ मुझे सुनिए, आपको अगर अपना व्यू कुछ बनाना है उसको बनाइए, उसके बाद किसी को सुनना है तो अपने व्यू को वेरीफाई करने के लिए उसको सुनिए, ना कि यू नो किसी से इन्फ्लुएंस हो जाइए। उसमें आप अपनी समझ से अगर काम करेंगे प्लस अपने व्यू को वेरीफाई करने के लिए किसी के साथ जुड़ेंगे, दैट विल गिव यू दी बेस्ट रिजल्ट्स। आज की डेट पे इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि आदमी को सही इन्फॉर्मेशन क्या है गलत क्या है कंफ्यूज हो जाता है, एंड गलत सही कुछ नहीं होता, सब चीज़ सही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सबसे ज़रूरी है वो ये है कि नॉइस कट करके आपको अपना प्लान, अपना माइंडसेट जिससे मैच करता हो उसके साथ मिलके बनाना है, तभी आपका रिजल्ट अच्छा रिजल्ट बनेगा मार्केट में। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हरे कृष्णा दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।